सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के साथ आ चुका है बथुआ। आज हम बनाएंगे बथुए के परांठे। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल स्वाद संपन्न बाय ज्योति। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बथुआ लिया है। इसको मैंने धो करके सुखा लिया था। अब हम इसको काटेंगे। आप इसको बारीक बारीक काटिएगा, क्योंकि अगर आप मोटा काटेंगे तो वो आटे में अलग से दिखाई देगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको काटना है। ये देखिए, दूसरी तरफ हम ले लेंगे आधा चुकंदर। ये देखिए, मैंने घिस लिया है इसको। अब आप ले लीजिए 2 कप आटा, उसके अंदर आप मिला लीजिए अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, और जो हमने बथुआ कट करके रखा था ना, अब आप इसको मिला लीजिए आटे में। अब हम डालेंगे इसमें आधा कटा हुआ प्याज और आधा कटा हुआ चुकंदर, 2 हरी मिर्च कट करके वो भी डाल दीजिए। अब आप इसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाइएगा, क्योंकि आप एकदम से पानी डाल देंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ढीला हो जाएगा आटा। आटा ना हमें ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही ज़्यादा हार्ड। देखिए, कुछ इस तरीके से आप धीरे धीरे इसके पानी ऐड करके बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। ये देखिए, अब हम एक पेड़ा बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आप इसको बेलें। आप इसको जैसे मर्जी भी शेप दे सकते हैं। आपको गोल पसंद है, आपको तिकोना पसंद है, आपको चौरस पसंद है। मुझे तिकोना पसंद है, तो मैंने इसको थोड़ा ट्रायंगल शेप में दिया है। ये देखिए, बिल्कुल आराम आराम से आप इसको बेलिए। ये देखिए, दूसरी तरफ हम लेंगे तवा। तवे को ना ज़्यादा हाई रखना है, ना ही ज़्यादा स्लो रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइए। ये देखिए, इस पर ऑयल लगा लीजिए। अब इसको पलट देंगे हम। दूसरी तरफ भी ऑयल लगाकर इसको अच्छे से सेकिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, हमारा परांठा बनकर तैयार है। आप इसको दही के संग खाइए, आप इसको अचार के संग खाइए, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में। बाय बाय।